हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं हरी सरसों में चिकन डालकर बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, चलो रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने सरसों ली है, ये 2 किलो सरसों है। इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। मैंने सरसों अच्छी तरह से काट के अच्छी तरह से धो ली है। सरसों का पानी निचोड़ चुका है। अब मैं इसे कुकर में डाल दूंगी और 2 सीटी आने दूंगी। इसमें पानी डालना नहीं है हमें, बस इसी में ही ये गल जाएगी। दो सीटी आ चुकी हैं कुकर में। अब मैं इसे बंद करके कुकर खोल के देखूंगी। सरसों गल चुकी है। इसमें मैंने जरा सा भी पानी नहीं डाला था, इसमें अपने आप ही पानी निकला है। और इसमें से थोड़ा सा पानी मैं एक कटोरे में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 किलो चिकन लिया था। ये मैंने मसाले लिए हैं। मसाले में मैंने धनिया, जीरा और थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़े से लहसुन की कलियां और अदरक लिया है। अब मैं इसे सिल्वर पीस लूंगी। एक प्याज ली है छोटी सी, इसे भी मैं बारीक काट लूंगी। ये मैंने बड़ा पतीला ले लिया है। अब मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी। अब मैं इसमें 4 से 5 चम्मच तेल डालूंगी। ये मेरे बड़े चम्मच है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। अब मैं प्याज को हल्की गुलाबी होने तक इंतजार करूंगी। फिर मैं इसमें अपना चिकन डालूंगी और अच्छी तरह से भून लेंगे। मेरी प्याज हो चुकी है। अब मैं इसमें अपना चिकन डाल दूंगी। मैं इसमें नमक डाल दूंगी। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालना और अच्छी तरह से इसे चटका लेंगे तेल में चिकन को। फ्रेंड्स, अब मेरा चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है तेल में। अब मैं इसमें अपना मसाला डाल दूंगी जो मैंने सिल पे पीसा था। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी 1 चम्मच और 2 चम्मच लाल मिर्ची डाल दूंगी। मेरी ये तीखी मिर्ची है। एक टमाटर लिया था मैंने। अब मैं इसे भी बारीक बारीक करके डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये वो वाला पानी है जो मैंने सरसों में से निकाला था। इसमें ही डाल के मैं इसे अच्छी तरह से चिकन को रोस्ट कर लूंगी।
फ्रेंड्स, सब्जी में और एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है आपको, सिर्फ सरसों ही डाल के उसी में ही आपका चिकन बन जाएगा। मैंने सारे मसाले डाल के 5 मिनट तक अपना चिकन भून लिया था। अब मैं सरसों डाल दूंगी इसके अंदर। मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। फ्रेंड्स, मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। मेरा तेल ऊपर साइड में से ऊपर आ चुका है। अब और अच्छी तरह से मिलाकर मैं इसे और अच्छी तरह से चटका लूंगी सरसों को, ताकि इसमें जरा सा भी पानी ना हो। A few moments later. Friends, मेरी सरसों हो चुकी है, ये अच्छी तरह से चटक गई है, मेरा तेल भी ऊपर आ चुका है, मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक यू।